बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमर सर फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक 5.13 ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक 5.14 आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर हम स्टडी करते आ रहे हैं, वेटलेसनेस हमने स्टडी किया था। उससे पहले जो है वो एक टॉपिक हमने अपेरेंट वेट वाला और रियल वेट वाला हमने स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि जब कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल मूव करता है, तो उसके अंदर का जो निज़ाम चल रहा होता है, उसके अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम हो जाता है, वो यानी कि उसका वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह जो है वो फिर हमने वेटलेसनेस में भी ये बातें सारी डिस्कस की थी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सैटेलाइट्स जो कि ज़मीन के गिर्द फ्रीली फॉल मूव कर रहे हैं, इनके अंदर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम होते हैं, यानी कि उनका वेट जो होता है वो अपेरेंट वेट जो होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी कोई साइंसदान वगैरह जो कि एक्सपेरिमेंट वहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स, उनको अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं तो वहाँ पर उनको ज़मीन जैसा माहौल जो है वो वहाँ पे चाहिए, जिस तरह ज़मीन जो है हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ पुल करके रखती है, जिसकी वजह से हम फिर अपने मुख्तलिफ काम काज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का निज़ाम जो है वो उनको सेटेलाइट्स के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह का निज़ाम चाहते हैं। तो हम अब वहाँ पर फिर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे की जाती है? जब किसी स्पेसशिप को हम अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करवा दें, तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो है ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी इजीली प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, एक ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग ए स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब कोई स्पेसशिप अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करना शुरू कर दे, तो उसे हम सिंपली तौर पे नाम देते हैं फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब ये स्टूडेंट्स फर्ज करें, मैं कहता हूँ ये एक स्पेसशिप है जो कि अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है, और ये यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये अपने एक्सिस के गिर्द अबाउट जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ये इसकी फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, और ये इसका स्टूडेंट्स एक्सिस है जिसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है, इसके आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए एक रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हम चाहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करें कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए कि ये स्पेसशिप जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करना शुरू कर दें, जिससे फिर हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करें शुरू वाले टॉपिक्स में, तो हमने मुख्तलिफ रिलेशंस फाइंड आउट किए थे लीनियर और एंगुलर के, जिस तरह के हमने लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट किया था, इसी तरह हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन एक फाइंड आउट किया था, इसी तरह हम लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, वही रिलेशंस को हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये था हमारे पास आर के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर बॉडी फ्रीली फॉर मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा सेटेलाइट या स्पेसशिप जो है ज़मीन के अबाउट फ्रीली फॉर मूव कर रहा है, तो इसलिए ये वाला जी जो है स्टूडेंट ए सी जो है इसको हम जी से रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे ये जी से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये आर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू r,
ओमेगा के बराबर। अभी यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन जो है वो यहाँ पे पुट करें, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर लेते हैं, यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी ये ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, चलें ओमेगा पहले लिखा गया पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा ओमेगा आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये कैपिटल आर, और यहाँ से स्टूडेंट्स इसको इसका स्क्वेयर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वेयर, और साथ में स्टूडेंट्स आ जाएगा ये आर का स्क्वेयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये कैपिटल आर आ जाएगा ये। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से एक आर जो है ये एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारे पास इसके लिए जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस तरह हम स्टूडेंट्स जमीन के ऊपर जी की वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये वाली जी की वैल्यू उस सैटेलाइट के अंदर भी होगी, उस सैटेलाइट के लिए भी होगी जो कि उन साइंटिस्ट को फिर जमीन के ऊपर जो है वो खड़ा होने में मदद देगी, यानी कि जिस तरह हमारे जमीन के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, इसी तरह वहाँ पर सैटेलाइट के अंदर भी इसी तरह की जमीन की ऊपर की तरह की जो है वो ग्रेविटी वहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये उसके लिए एक्सेलरेशन है, ये आ जाएगा हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ओमेगा की वैल्यू जो है वो मज़ीद हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये ओमेगा बराबर होता है ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। यहाँ पे टी क्या है स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के साथ ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है उसके लिहाज से ये इसका क्या है टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो ये जी बराबर आ जाएगा कैपिटल आर इनटू आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 2π डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये कैपिटल टी, और स्टूडेंट्स इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जी की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल आर मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका स्केयर स्टूडेंट्स ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा पाई इसका भी स्क्वेयर आएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा कैपिटल टी, इसका भी स्क्वेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्चुअली हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्टूडेंट्स आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ से ये इसकी एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं कुछ यूं करके लिख लूँ, ये स्मॉल जी बराबर आ जाएगा ये 1/t को मैं स्टूडेंट्स अलग से लिख रहा हूँ यूं करके, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर मल्टीप्लाई 4π आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/t की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ये एफ के बराबर, तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स इसके अंदर पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/t की जगह पे आ जाएगा एफ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ का स्क्वेयर मल्टीप्लाई आ जाएगा ये कैपिटल आर मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 4π। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये एफ स्क्वेयर को अलग कर लेते हैं हम, यहाँ से ये एफ स्क्वेयर जो है वो एक साइड पे कर लें, बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो एक साइड पे ले आए, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल जी डिवाइडेड बाय, अब ये देखें स्टूडेंट्स ये इस साइड पे ये कैपिटल आर 4π जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4π कैपिटल आर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू चाहिए ना कि एफ स्क्वायर की, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा स्मॉल जी डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल आर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये
अब देखिए एक और बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 पाई स्क्वेयर है ये बेसिकली, ये स्टूडेंट्स ये स्क्वेयर है, ये गलती हो गई है मुझसे, ये आप भी करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये 4 पाई स्क्वेयर है, तो ये 4 पाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या होता है बेसिकली, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर रूट स्मॉल जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिलेशन, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी सैटेलाइट या स्पेसशिप अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दें तो वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिस तरह की ज़मीन के ऊपर जो है वो ग्रेविटी है, ज़मीन की अपनी ग्रेविटी है, इसी तरह उसकी अपनी ग्रेविटी बन जाएगी। तो साइंटिस्ट जो है वो फिर अपने कामकाज जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।